हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गोश की प्रमेय, गोश का नियम। गोश की जो प्रमेय है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? गोश की प्रमेय जो है वो बंध परत से गुजरने वाले फ्लक से संबंधित है। यानी कि गोश ने बताया कि किसी बंध परत से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो उस परत से परिबद्ध आवेश क्यू के 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई बराबर q/ε0। ये गोश की प्रमेय है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रमेय क्या है गोश की? ये है किसी बंद परत से निर्गत होने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस परत द्वारा परिबद्ध क्यू आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि बंद परत से निर्गत जो फ्लक्स है वो क्या होता है? वो होता है फाई बराबर q/ε0। यानी कि कोई भी बंद परत है, जैसे घन है, घनाभ है, गोला है, इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो q/ε0 गुना होता है। इसको हम प्रूव कर देंगे। प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि माना ये 1+q कूलाम आवेश है जो बिंदु O पर रखा है। इस O के चारों ओर एक ये बंद पृष्ठ है। O के चारों ओर एक बंद पृष्ठ है। इसे गुजरने वाला हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर एक P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा dA है। और जो सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, ये बिंदु जो O है, O पर जो घन कोण बना रहा है वो है हमारा d ओमेगा, और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ही है। आपने पढ़ा था प्लस q आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन होती है, वो उस पॉइंट से बाहर की ओर होती है। और जो क्षेत्रफल सदिश है dA है, तो वेक्टर dA होता है तल के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश होगा तल के लंबवत, और इन दोनों के जो बीच में जो एंगल बना है वो एंगल है ये हमारा थीटा। दोनों के बीच जो एंगल बना है वो एंगल है हमारा थीटा। अब हमें इस बंद परत से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, और वो क्या आना चाहिए? q/ε0 आना चाहिए। वो आपने फ्लक्स और घनकोण नहीं पढ़ा है तो फ्लक्स और घनकोण दोनों की वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको आप इस गोश की प्रमेय को पढ़ने से पहले आप उन दोनों वीडियो को अवश्य देख लें। तो फ्लक्स की परिभाषा से किसी बंद परत से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फाई ई इक्वल टू होता है पृष्ठ समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए। पढ़ा है फ्लक्स की परिभाषा से कि किसी बंद परत से गुजरने वाला जो फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है पृष्ठ समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए। डी ए क्या है? उसका अल्प सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। तो अगर हम इसको खोलते हैं तो इसको लिख देंगे ई डी ए कोस थीटा। यानी कि ए डॉट बी आपने पढ़ा है, ए डॉट बी के आधार पर इसको खोल दिया, ए बी कोस थीटा, और थीटा क्या है? ई और डी ए के बीच का जो एंगल है ये एंगल है हमारा थीटा। अब इसको और सोल्व करते हैं थोड़ा। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पॉइंट पर क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/4πε0 क्या हो गए q/r² और ये बाकी था हमारा डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर के भी आता था परावैद्युतांक के, लेकिन इसको हमने कहीं वायु अथवा निर्वात के लिए ले लिया है, इसलिए हम इसको के को के समान क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। इसमें से आपने घनकोण की परिभाषा में पढ़ा है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है डी ओमेगा घनकोण, ये होगा डी ओमेगा। पर समाकलन ये कॉन्स्टेंट राशि है, इनको समाकलन से बाहर निकाल लिया q/4πε0 डी ओमेगा। ये क्या है? ये है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर आंतरिक संपूर्ण घनकोण, और ये जो संपूर्ण घनकोण होता है आपने पढ़ा है ये होता है 4π, और 4π से जो है 4π कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास q/ε0। तो फाई ई बराबर, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या है? q/ε0। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। यही क्या है? हमारी गोश की प्रमेय है। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, गोश की प्रमेय का जो समाकलन रूप है। समाकलन रूप क्या है? फाई ई बराबर आपने पढ़ाया पृष्ठ समाकलन वेक्टर ई
डॉट वेक्टर डीए ये होता है, और इसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के भी इक्वल लिख सकते हैं। ये गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप है। अब हम आपको गॉस के नियम पर आधारित कुछ आंकिक जो क्वेश्चन है उनको हल कराते हैं। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, यदि 17.7 पीको कूलम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो इसको ध्यान रखना है, प्रत्येक सतह, अगर ये कहा है कि घन से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए तो घन से निकलने वाला फ्लक्स तो होगा संपूर्ण फ्लक्स, और प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स क्या करेंगे उसको, क्योंकि घन में कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है, तो संपूर्ण फ्लक्स निकालकर उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्लक्स के हमारे पास दो फार्मूले है फ्लक्स के, एक तो फाई ई इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और दूसरा फार्मूला जो गॉस की प्रमेय है उस पर है, गॉस की प्रमेय पर आधारित है, वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहां देखते हैं कि यहां पे हमें जो है वो क्या दिया है, यहां पर हमें मान दिया है क्यू की वैल्यू दी है, क्यू इज इक्वल टू क्या है 17.7 पीको कूलम, पीको कूलम, इसको क्या करते हैं पीको हटा लेते हैं, पीको हटाने के लिए 10^-12 की गुणा करते हैं, 10^-12 की गुणा करते हैं, ये हो गया कूलम। अब हमें ज्ञात करना है फ्लक्स फाई ई, फाई ई का फार्मूला आपने पढ़ा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, लेकिन ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है ये संपूर्ण फ्लक्स है। यदि क्वेश्चन में ये दिया है प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स, तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला, अगर संपूर्ण फ्लक्स निकालना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है तो घन में 6 भुजा होती है, इसको 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, और इसको भाग कर देंगे, क्यू की वैल्यू क्या है 17.7 × 10^-12 6, ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट का मान आपने पढ़ा 8.85 × 10^-12। अब यहां इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए 12 ये है, 12 ये है, माइनस की है, ये कैंसिल होगी, और इसका पॉइंट हटाते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में हमने लिख लिया 17.7 × 6 × 8.85। अब क्या करते हैं, अब हम इसका पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो इसके लास्ट में 2 अंक है, तो इसको भी 2 अंक कर लेंगे, यहाँ पे हमने 0 कर ली, और अब इनका पॉइंट हट गया। पॉइंट हटने के बाद अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 से इसको हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करके आएगा 3, और 2 से डिवाइड इसको किया, 2 × 8 = 16, और 2 × 8 = 16, और 2 × 5 = 10, और 885 से 885 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया 3, तो 1/3 आ गया, और 1/3 इसका मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर बराबर 2i cap + 3j cap − 4k cap, i j k क्या है एकांक वेक्टर होते हैं, एकांक लंबकोणीय वेक्टर जिनका परिमाण 1 होता है, x अक्ष के अनुदिश i होता है, और y अक्ष के अनुदिश j होता है, और z अक्ष के अनुदिश k होता है। एक पृष्ठ के क्षेत्र वेक्टर a बराबर 8j मीटर से गुजरने वाला फ्लक्स की गणना कीजिए। ये कुमार मित्तल की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फ्लक्स के हमारे पास ये दो फार्मूले हैं, अभी पढ़ा था आपने, एक तो ये फार्मूला है और एक ये है। तो हमें क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है, तो वेक्टर ए दिया है तो ये फार्मूला लगेगा, तो फाई ई इक्वल टू, फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई का मान रख देते हैं, वेक्टर ई क्या है, वेक्टर ई है 2i + 3j − 4k डॉट 8j। इन दोनों का डॉट हम कैसे निकालेंगे, ये 8j है, इसकी डॉट हम पहले इसके साथ लेते हैं, तो i डॉट j 0 होता है, तो ये 0 होगा प्लस, फिर हम इस 8j की डॉट इसके साथ लेते हैं, तो j डॉट j 1 होता है, और 8 की 3 में मल्टीप्लाई हो गया 24 प्लस, फिर 8j की हम डॉट इसके साथ लेते हैं, j डॉट k भी 0 होता है, और ये क्या होगा हमारा 0 इक्वल टू कितना आएगा 24 आएगा। तो हमारा जो फ्लक्स है
वो आएगा 24 और मात्रक वही होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 1.15 है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में काफी बार आ चुका है। चलते हैं, हमारे पास एक समान वायु क्षेत्र दिया है और इसके दो पार्ट है। इस क्षेत्र का 10 सेमी भुजा के वर्ग के उस पार्श्व में जिसका तल वाई जेड तल के समांतर गुजरने वाला फलक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें एक वर्ग रखा है और जो वर्ग रखा है उसका जो तल है वाई जेड तल के क्या है समांतर है, तो उससे गुजरने वाला हमें फलक ज्ञात करना है। जो हमारे पास फलक्स का फार्मूला है आपने पढ़ा है, फलक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बराबर होता है। और वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए होता है यूनिट वेक्टर एन और ए का परिणामी। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल के परिणामी में उसके यूनिट वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर है इसका तल के लंबवत जो है उसकी मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वेक्टर ए निकल जाएगा। तो हमें मेन बात है हमें निकालना है वेक्टर ए, तो तल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक्स अक्ष है आपने पढ़ा है, एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष आपने पढ़ा है, ये जेड अक्ष आपने पढ़ा है। इस एक्स वाई जेड अक्ष में एक पृष्ठ है जो वाई जेड तल के समांतर है, यानी कि वाई जेड तल ये ऐसे है, जेड जो अक्ष है वो यहां पर होता है और वो इस प्रकार उसमें जैसे बाकी जो एक्स अक्ष होता है वाई अक्ष होता है जेड अक्ष होता है, इस ये ऐसे जेड एक्स होता है लेकिन इसको ऐसे पेज पर ऐसे नहीं दिखा सकते इसको, इसलिए यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये पृष्ठ है और इसमें एक पृष्ठ ऐसे रखा है इसके समांतर, जब इसके समांतर रखा है तो इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, डायरेक्शन हमने बताई थी तल के लंबवत होती है, तल ये है इसके लंबवत इस डायरेक्शन, यानी कि यह डायरेक्शन जो है यह हमारी वेक्टर ए की डायरेक्शन है। अब यह डायरेक्शन इस डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, यह एक्स अक्ष की डायरेक्शन है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वो वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होता है उसे कहते हैं जे वेक्टर, जेड अक्ष के अनुदिश एक्स अक्ष के अनुदिश आई एकांक वेक्टर और वाई अक्ष के अनुदिश जे एकांक वेक्टर और जेड अक्ष के अनुदिश के एकांक वेक्टर होता है। तो जब इसमें तल ऐसे रखा है तो कौन से अक्ष के अनुदिश है इसका एकांक वेक्टर आई अक्ष के अनुदिश, और इसमें कहीं की मल्टीप्लाई कर देंगे हम एकांक वेक्टर आई होता है आई की, तो क्षेत्रफल इक्वल टू वेक्टर ए बराबर हो जाएगा, ये क्या है हमारा आई और ए क्षेत्रफल का परिणामी, क्षेत्रफल का परिणामी क्षेत्रफल क्या है, ये हमारा तल था, ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा थी, ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा थी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आई क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे मीटर में होना चाहिए, 100 × 10⁻⁴ आई वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁴ की मल्टीप्लाई करते हैं। अब फलक्स निकाल देंगे, फाई ई इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई की वैल्यू क्या है, वेक्टर ई की वैल्यू है 3 × 10³ आई कैप और डॉट क्या हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ आई कैप। तो जब हम इनका डॉट लेंगे तो आई के साथ डॉट बता था हमने 1 होता है और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 × 3 और 10⁻³ ये 3 है और ये माइनस की है 4, तो 10⁻³ बच गई हमारी, 10⁻³ होगी हमारी माइनस की 1, इसको माइनस 1 का मतलब है एक रुपए धर्म पॉइंट लगा सकते हैं, ये होगा 30.0 और जो मात्रक होता है इसका, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं, इससे कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, या इसका दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर भी है। तो ये आपका आंसर आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया जिसके तल का विलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, जो अभिलंब है वो एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। पहले जो पहली स्थिति में ये इस प्रकार रखा था और ये यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन थी और जो अभिलंब था, अभिलंब होता है तल के लंबवत, अभिलंब की भी डायरेक्शन वेक्टर ए की भी डायरेक्शन यही थी। लेकिन अब क्या करा, इस अभिलंब को एक्स अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर झुका, यानी कि इस तल को ऐसे पीछे भी किया तो ये कितने का कोण बना दिया अभिलंब इससे 60 डिग्री का। अब ये जो वेक्टर ए है ये
60 डिग्री पर एक्स अक्ष की डायरेक्शन से 60 डिग्री पर आएगा। तो फार्मूला क्या है, फाइ ई आपने पढ़ा है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसको लिख सकते हैं हम ई ए कोस थीटा। ई की वैल्यू आपने पढ़ी है, यदि हमें 3 × 10³ और ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है क्षेत्रफल का परिणामी, वो था हमारा 100 × 10⁻⁴ मीटर और कोस 60 और कोस 60 डिग्री रख दिया, ये कितना होगा 300 और टेन की पावर क्या होगी -1 और कोस 60 का मान होता है 1/2, 2 से इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 150, क्या आएगा 150 × 10⁻¹, इसको -1 का मतलब एक अंक इधर पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 15.0, यानी कि 15 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं। इससे कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है कि कहीं पर वोल्ट मीटर लिखा गया है।